हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको ये डोरमेट की डिज़ाइन है ये बताने जा रही हूँ। देखिए कैसे बनता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे 24 फंदे डालेंगे। देखिए फंदे कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें ऐसे करके हमें 24 फंदे डालने हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसमें 24 फंदे डालने हैं। देखिए मैंने इसमें 24 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए अब इसे कैसे आगे बनाना है वो बताती हूँ। देखिए इसमें हमें हमेशा उल्टी जो सिलाई हम निकालते हैं वैसे ही इसे बनाना है। ये देखिए इस प्रकार से ही इसे हमें बनाना है। जो हमारे 24 फंदे हैं वो पूरे इसी प्रकार से हमें बनाने हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार से पूरी एक जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए जो हमारा लास्ट का फंदा जो बचा हुआ है उसे हम बुनेंगे नहीं और इस प्रकार से जो कपड़ा है उसको आगे कर लेंगे। अब ये है इसे दूसरी साइड से हम बुनते हैं। दूसरी साइड से भी हमें इसे उल्टी सिलाई जो उल्टे फंदे हम लेते हैं उसी प्रकार से इसे बुनना है। ये देखिए देखिए इसी प्रकार से हमें ये भी पूरी सिलाई निकालनी है। देखिए इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। हमें इसमें दोनों साइड से ही उल्टे फंदे लेने हैं। ये देखिए इसे इस प्रकार से मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इसे इस प्रकार से बनाना है। इसको आप गिनकर देख लें कितनी लाइन हमको बनानी है। देखिए मैंने इसमें जो है 21 लाइन बनाई है। जब आप 24 फंदे डालें तो इसमें 21 लाइन ही बनाएं। अगर आप उससे ज़्यादा फंदे डालते हैं तो आप इन लाइनों को बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए आगे इसमें क्या करना है वो बताती हूँ। इसमें कपड़े को कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि दूसरा जो कपड़ा हम लें उसे कैसे जोड़ें वो आपको मैं बताती हूँ। इसमें देखिए इसे हमें किस प्रकार से जोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो इसमें कपड़ा है उसको भी हमें तिरछा काट लेना है। देखिए ये मैंने काटा है और जो कपड़ा हमें इसमें दूसरा लगाना है उसको भी हमें तिरछा काट लेना है। देखिए अब इसे इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये देखिए देखिए और ये दूसरा कपड़ा इसमें जुड़ गया है। और जैसे हम इसमें हर सिलाई हमने जो उल्टे फंदे लेकर बनाई है उसी प्रकार से हम इस सिलाई को भी बनाएंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है जो लास्ट में जो फंदे हैं हमें यहाँ पर दो फंदों को छोड़ना है। पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे लेकिन जो लास्ट के दो फंदे हैं उनको हमें छोड़ देना है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए अब ये जो दो फंदे बचे हैं इन्हें हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए ये दो फंदे हमें छोड़ देना है और जो कपड़ा है उसे आगे लेकर फिर से हमें उसे बनाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें जो सिलाई है हमारे वो हमेशा फंदे जो होंगे उसमें उल्टे ही लिए जाएंगे।
ये देखिए इस प्रकार से इसे बनाना है। और हर बार हमें क्या करना है, दो दो फंदे कर कर इसे छोड़ते हुए जाना है। इस बार हम जहाँ इस साइड जब भी आएंगे तब हमें दो फंदों को छोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से उसी जगह पर आ गए। ये मेरी दूसरी लाइन है। अब देखिए मैं फिर से यहाँ क्या करूँगी, दो फंदों को फिर से छोड़ूंगी। ये देखिए दो पहले छोड़े थे, दो फिर मैंने फिर से छोड़ दिए इसमें। इस प्रकार से इसे पूरा कंप्लीट करना है। हर बार आपको इस साइड आकर के दो दो फंदों को छोड़ना है, पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये मैंने इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हर बार हमें इसमें दो दो जो फंदे हैं उनको छोड़ना है। ये देखिए अब मैं इसमें दूसरा जो कपड़ा है दूसरे कलर का वो जोड़ रही हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगी, दूसरी जो कली है वो बनाऊंगी। ये देखिए एक कली कंप्लीट हो गई, अब मैं दूसरी कली बनाऊंगी। फिर दूसरे कलर का कपड़ा है उसे हमें इसे पूरी जो सिलाई है वो पूरी बनाते हुए ले जानी है। देखिए ये जो सिलाई है इसमें हमें कुछ भी जो जब एंड तक हम जाएंगे तो हमें एक भी फंदा छोड़ना नहीं है, सारे फंदे बिनने हैं। ये देखिए मैं इसे एंड तक ले आई हूँ। ये देखिए जो लास्ट वाला फंदा है उसे भी हमें बिनना है। और फिर से इसे दूसरी साइड से उल्टे फंदे लेकर बिनेंगे। ये सिलाई भी हमें इसी प्रकार बुननी है। इस प्रकार ये पूरी सिलाई को भी हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसकी जो दूसरी सिलाई है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे इसकी जो तीसरी सिलाई है उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने इसकी जो दो सिलाई है उन्हें कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी तीसरी सिलाई को बनाएंगे। देखिए और जो तीसरी सिलाई है उसमें हमें फिर से क्या करना है, जैसे हमने पहले दो दो फंदे छोड़े थे हर सिलाई में, वैसे ही इसमें भी हमें हर सिलाई में दो दो फंदों को छोड़ते हुए जाना है। और इस प्रकार से ये कली भी हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हमें इसमें छः जो कली हैं वो बनानी है। ये देखिए ये पूरा बनकर जब कंप्लीट होगा तो इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इसमें हमने सबसे पहले ये जो 21 लाइन है वो बनाई, उसके बाद हमें 6 कली बनानी है। देखिए मैंने अलग अलग कलर की 6 कली बनाई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए इस प्रकार से बनाना। और जो ये है इसके जो ये है इसका एक टुकड़ा, इस प्रकार से हमें इसके 4 टुकड़े बनाने हैं। ये देखिए मैंने बना रखे हैं। देखिए इस प्रकार से इसके जो है हमें 4 टुकड़े बनाने हैं और ये इस प्रकार से जुड़ेंगे।
प्रकार से इन्हें जोड़ना है। मैं आपको एक बार इसे जोड़कर भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये इसके जो दो पार्ट है उन्हें कैसे जोड़ेंगे। एक जो पार्ट है वो अगर हम इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए, जो दूसरा है वो ऐसे रखेंगे। इसे आप ध्यान से देखें और इस प्रकार से ये इसमें पूरा जुड़ जाएगा। देखिए, हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। देखिए, मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसे या तो आप इसके साथ ले लें या कैंची से कट कर दें। और फिर भी कैंची से इसे पूरा कट ना करें, वरना ये यहाँ से जो इसके फंदे हैं वो शायद निकल सकते हैं, इसलिए इसे पूरा कट ना करें और इस प्रकार से इसे जोड़ें। देखिए, यहाँ तक ही जुड़ गया। उसके बाद जो ये कली हमने बनाई है उसको इसमें कैसे जोड़ना है वो देखिए। देखिए, इस प्रकार से दो जो पार्ट इसके हैं वो जुड़ गए। अब जो तीसरा पार्ट है वो हम देखिए ऐसे जोड़ेंगे। देखिए, ऐसे जोड़ेंगे यहाँ तक ऐसे। और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको ऐसे जोड़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से इसे पूरा हमें कंप्लीट करना है। देखिए, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से हमें पूरी जो ये डोरमेट है वो बनाना है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।